ऑपरेशन खूनी पुड़िया। तो ऑपरेशन खूनी पुड़िया में हम आप तक तमाम सच पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेल की दीवारों के भीतर भी वो खेल हो रहा है जिसे रोकने का काम किसी और का नहीं है बल्कि उस खाकी वर्दी का है। इस देश में जहां हर दिन तकरीबन 90 रेप केस हो रहे हैं जिसमें नशा एक आम बात आरोपियों में साबित होती है, वहां पर इस तरीके के नशे का खेल आखिर जेल की दीवारों के भीतर किस तरीके से हो सकता है। एलएन राव साहब, आप पूर्व डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के, ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, लेकिन यहां पर तो कोतवाल जब साथी बन जाए तो फिर खेल को रोकेगा कौन, जो समाज को न सिर्फ बरगला रहा है बल्कि समाज में कई लोगों की जान ले रहा है, तमाम रेप केसेस इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपकी टीम को बधाई दूंगा, आपने ये बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है और ये कोई नई बात नहीं है, यह काफी पुराने ऐसे कई इंसिडेंट्स में ऐसे कई बार ऑपरेशन हुए हैं जिसमें ये खुलासे हो चुके हैं। बट ये जो आपने ड्रग्स का जो खुलासा किया है, इससे पहले कई बार खुलासे मोबाइल फोन भी वहाँ अवेलेबल होते हैं और भी किसी प्रकार की कोई कमी वहाँ जेल में होती नहीं है, बशर्ते एक ही शर्त है कि उसमें पैसा होना चाहिए लोगों के पास, अगर पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन एक बड़ा क्लियर बता दूं, पुलिस की बात है तो दिल्ली पुलिस की स्टाफ कोई नहीं होता, वहां पर जेल का अलग से एक पुलिस होती है, वो शायद इन लोगों के साथ में जुड़े हों और हर डिपार्टमेंट में ऐसी कोई ब्लैक टिप कहते हैं हम उनको, जो ऐसे कुछ एक ऐसे आदमी होते हैं उसमें उन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। जैसे दिल्ली पुलिस में भी कोई ऐसा है कोई सिपाही स्टाफ तो समय समय पर बदलते हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग में देखिए, वो जिस हिसाब से बता रहा है वो शख्स, उसे तो ऐसा यकीन है कि कोई भी आ जाए लेकिन वो अपना काम नहीं रोकेगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसके पास पैसा है। इस प्रकार से जो आपके ऑपरेशन में हुआ है बहुत इसमें लग रहा है कि कहीं काफी और भी ऑफिसर्स उसके साथ में मिले हुए जैसा ये बता रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करके इसको इसके खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई या विभागीय जांच होगी और उसमें इसको मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बता पाएगा इस ऑपरेशन के बाद। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ही चाहिए क्योंकि इन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, पूरा जेल बदनाम होता है। तो सतर्कता विभाग है वहां पर, ऐसा नहीं है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी जेल में रखा गया है, लेकिन वो सतर्कता विभाग कितनी सतर्कता कर रहा है वो इस ऑपरेशन से नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ उन सबके भी आंखें आपने खोल दी है, जेल के अधिकारियों की भी एक बड़ा आई ओपनर है उनके लिए ताकि वो ज्यादा अलर्ट रहे इसमें और इस प्रकार की कोई शिकायत दोबारा ना हो। ये और इसमें जो भी आदमी एक्सपोज होता है, जो आदमी पकड़ा जाएगा या जो आदमी आईटीआई होगा विनोद नाम का जो भी आदमी है, और उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके साथ में हो। सिर्फ उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों एनसीबी इस मामले में नहीं आ सकती? आगे आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर। सुमित से मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि इसमें चंद लोगों की मिलीभगत है या फिर इसमें पूरा का पूरा नेक्सस नजर आ रहा है जेल के भीतर भी, लेकिन उससे पहले मैं पठान सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सुधार गृह हम कहते हैं जेल को, सुधार गृह में ही अगर बिगड़ने का पूरा काम हो रहा हो, खाकी की संलिप्तता हो, तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां, किस तरीके से सुधार इन गृहों में आएगा? नहीं, बहुत डिस्टर्बिंग आपका ये स्टिंग ऑपरेशन लग रहा है कि कुछ बैड फिशेस नहीं है, पूरा पाउंड ही पूरा का पूरा सड़ा हुआ पाउंड पूरा, और पूरी फिशेस आधा रॉटन फिशेस पूरे भरे हुए है। और अभी एनसीबी इधर मुंबई में हमारे वो बॉलीवुड की गटरों में जाके वो ड्रग का सूंघ चूंघ के कोशिश कर रही मिलने का, और 2017 की 16 की चैट पे से केसेस कर रही है, उन्हें कहो वहां से आ जाओ बोलना। अभी ये जो इतना बड़ा रैकेट अभी पकड़ा गया है, आपने पकड़ा के दिया है, इन तमाम कर्मचारियों को एनडीपीएस केस में अटक करना चाहिए। वो कितनी डिस्टर्बिंग बात है कि वो सनी डोगरा नाम का लड़का जिसने जेल प्रशासन से कंप्लेन की कि अंदर ड्रग बिक रहा है, तो उसको इंसाफ ना देते हुए, उसकी बात को ना सुनते हुए, उसका खून जेल में, अगर जेल में खून होता है तो ये पूरा का पूरा सत्यानाश पूरे प्रशासन का पूरा हो चुका है और इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व इसके अंदर पूरा है। मैं तो कहता हूं द एंटायर स्टाफ शुड बी सस्पेंडेड टोटल स्टाफ। क्या ये सॉल्यूशन है? लेकिन पठान सर, क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये सिर्फ तिहाड़ जेल की बात है? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमने शुरुआत दिखाएंगे, इनको जेलों में डालो, इनको सबको, इनको खाकी का इनका ड्रेस खींचकर इनको चड्डियों में और बनियानों में इनको जेलों में डालो, इनको तब पे जाके सुधार होगा। ये इंक्वायरी होगी, 5 तारीख को रिपोर्ट जाएंगी, रिपोर्ट में कुछ जवाब आने वाले हैं। बंद करो नाटक सब बोलना ये सब, ये और एनसीबी से कहो मुंबई से आ जाओ वापस गटर में, वापस वो ढूंढ रहे हैं, पहले यहां पर आके एलएन राव साहब आप भी थोड़ा इसमें थोड़ा मैं सुमित के पास भी जाऊंगा सर, जो हकीकत हम देख रहे हैं सुमित,
जो शब्द लगातार कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी खाकी बदनाम होती है, तो यहाँ पर पूरा तालाब गंदा है या वो कुछ मछलियां हैं? क्योंकि आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ लोगों से उस व्यक्ति के संपर्क है। जी बिल्कुल, देखिए मिलीभगत जो है वो पुलिस अधिकारियों, जो जेल पुलिस है और जो कैदी हैं उनमें मिलीभगत है, क्योंकि जिस तरह से नशीला पदार्थ का खुलासा हम कर रहे हैं और सन्नी डोगरा की 24 सितंबर को मौत हो जाती है, ये दोनों का जो है एक तरह से कनेक्शन कहा जा सकता है अक्षय, क्योंकि जो सन्नी डोगरा जो था वो कुछ दिन पहले शिकायत नशीले पदार्थ की शिकायत करता है जेल प्रशासन से, उसके बाद जेल के जो कैदी हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, और 24 सितंबर को उसे उसकी धारदार हथियार से मौत के घाट उसे उतार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत जो है जेल पुलिस की है, साथ साथ कैदी की भी है, क्योंकि कैदी से जेल पुलिस को पैसे मिलते हैं और दोनों के साठगांठ से ये जो कारोबार है वो जेल में फल फूल रहा है और नशीले पदार्थ जो है वो अंदर जा रहे हैं। कल हमने तिहाड़ जेल के डीजी से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि डीजी साहब छुट्टी पे थे, लेकिन अतिरिक्त जो डीजी साहब थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन पूर्व जेल अधिकारी हैं जो तिहाड़ जेल के, वो दबी जुबाने बताते हैं कि ये कारोबार जो है वो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इसका खुलासा जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन हमने जो जी हिंदुस्तान ने जो ये खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समय तो पूरी उम्मीद है कि डीजी साहब हो या फिर कोई दूसरा अधिकारी इन तस्वीरों को इस वक्त वो जी हिंदुस्तान पर देख रहे होंगे। ये खूनी पुड़िया जो समाज को बर्बाद कर रही है वो जेल के सलाखों में आसानी से पहुंच रही है, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, हमारे सहयोगी तुषार जुड़े हुए हैं उनके पास भी जाएंगे। उससे पहले एक अहम खबर आ रही है, लक्ष्मी उपाध्याय के पास हम चलते हैं। लक्ष्मी, आप बताइए कि वो खुलासा क्या है जो आप इस वक्त करने जा रही हैं? बिल्कुल अक्षय, देखिए जी हिंदुस्तान का ऑपरेशन खूनी पुड़िया जारी है, और इस बीच दिल्ली के बाद आपको देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हकीकत पर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लखनऊ जिला जेल को लेकर खुफिया स्टिंग किया है। हमारे कैमरे पर जो खुलासे हुए, यकीन मानिए वो सिस्टम में भरोसा रखने वाले किसी भी आम इंसान को हिला कर रख देंगे। सोचिए कि जिस जेल में एक से बढ़कर एक अपराधी कैद है, वहां लाखों रुपए की रिश्वत देकर जेल के बाहर अस्पताल में रहने का इंतजाम किया जा सकता है। लखनऊ की जिला जेल से भ्रष्टाचार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर रहे हैं, खूंखार कैदी जेल के बाहर से मंगवाते हैं नशे का सामान, यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। लखनऊ की जिला जेल में चल रहा है कैदियों को ऑन डिमांड बीमार करने का गोरख धंधा। जितने पैसे चुकाएंगे उतनी बड़ी बीमारी का पर्चा तैयार हो जाएगा। जेल के स्वास्थ्य कर्मचारी डील पर देंगे कैदियों को बीमार का सर्टिफिकेट। जी हिंदुस्तान की एसआईटी टीम की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमारे खुफिया कैमरे में जो बातचीत कैद हुई उसमें जेल कर्मचारी कैदियों के करीबियों को खुला ऑफर देते कैद हो गए, मोटी रकम दो और ले लो अस्पताल में आराम फरमाने का गिफ्ट हैम्पर। 5 लाख रुपए। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारे हाथ लगी वो रेट लिस्ट जिसमें बकायदा फिट कैदियों को बीमार बताने की रकम तय है। आरोप डकैती का हो या मर्डर का, सर्टिफिकेट के सौदागरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रकम अदा कीजिए और कोर्ट में बीमारी की फर्जी रिपोर्ट भेजने वाले दस्तावेज हासिल कर लीजिए।
हाई कोर्ट में तुरंत उनके वकील कल परसों में वो कर दे और वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाए, हम रिपोर्ट बना के दें। लखनऊ की जिला जेल में इस रैकेट के तार जैसे जैसे खुलते गए, हमारी दिलचस्पी भी इसमें बढ़ती गई। जी हिंदुस्तान के खुफिया कैमरे में चार दीवारी में बंद कैदियों की मौज मस्ती के लिए दस्तावेजी हेराफेरी का कच्चा चिट्ठा कैद हो रहा था। आप खुद देखिए कैसे जेल का कर्मचारी दावा कर रहा है यूपी के आला अधिकारियों की नाक के नीचे एक जेल में कैसे अपराधी कर रहे हैं एक और बड़े अपराध की साजिश। अभी भी ये क्या चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनका जेल अस्पताल की बजाय कुछ ऐसा सेटिंग बैठा जाए कि केजीएमयू में ही ये एडमिट है। ये हम राजधानी की जेल है, यहाँ बहुत उत्तम बहुत उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं। पैसा खर्चने के लिए जब तैयार है कौन से तैयार, वो कोई इशू नहीं है, वो उसका तो आप सोचिए ना, फिगर बता दीजिएगा कोई आने से। सर पैसा बहुत बेहतर हो जाएगा। बेहिसाब दौलत के दम पर बड़े से बड़ा अपराधी कुछ बेईमान जेल कर्मचारियों की मदद से बिना बीमारी यहां से अनफिट होने की रिपोर्ट पा सकता है, ऐसा दावा है खुफिया कैमरे में कैद लखनऊ जिला जेल के इस फार्मासिस्ट का। इसकी माने तो ऐसी रिपोर्ट के दम पर कोई कैदी महीनों जेल से बाहर अस्पताल में रह सकता है, भले उसकी सेहत तंदुरुस्त क्यों ना हो, कागज पर उसे बीमार बता दिया जाता है। वहाँ पे ये इसमें वो नहीं है, देखो कि अब ये कहेंगे हमको एसी रूम मिला, देखो कोई कंफर्टेबल मिल जाए सर, नहीं वो वहाँ के बोलते हैं हमको एसी रूम मिला, एसी रूम खर्चा वो अलग है, मतलब हो सकता बोले तो क्या नहीं वो हमको, ये हमने बात नहीं करी है जब बात करी है। अब ये कितने दिन के लिए वो ये कह रहे हैं वन टाइम, नहीं हॉस्पिटल में, अरे जाए अगर जब बेल हो जाए महीना डेढ़ महीने दो तो थोड़ी ना है यार, अपना आराम है मर पाए। खुफिया कैमरे पर दिख रहे इस शख्स का नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र लखनऊ जिला जेल में फार्मासिस्ट का काम करता है, ये डॉक्टर के साथ रहता है और इस रसूख के दम पर अपराधियों को बीमार बनाने की सेटिंग करता है। जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को जब ऐसे रैकेट की भनक लगी तो हमने बेहद सावधानी से शैलेंद्र तक पहुंचने का जाल बिछाया। जेल के बाहर एक सीक्रेट जगह पर खड़ी हमारी कार के पास शैलेंद्र पहुंच गया। हमने अब इससे कैदी को जेल से अस्पताल शिफ्ट करवाने पर बात शुरू की, इसने फौरन हामी भर दी। इसने किसी भी कैदी को बीमार बताकर अस्पताल भेजने का कैमरे पर दावा किया। इसने दावा किया कि जेल के भीतर ऊपर से नीचे तक सेटिंग ये खुद कर देगा, जबकि अस्पताल की सेटिंग के लिए अलग से खर्च करना होगा। जेल का खर्चा आपने 5 बताया, लेकिन हॉस्पिटल वाला फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्पिटल में कितनी बात करनी पड़ेगी, कोई कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, अब ये मैटर क्लियर हो जाएगा फाइनल। बस ये है कि वो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे हम जैसे बस्ती से मिलवाएंगे ठीक है ना, तो उसको जेल के विषय में कि जेल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं डिस्कस, मतलब वो अलग रहेगा पार्ट, मतलब अलग पैसे वैसे अब वो उसके लिए हम सिर्फ आपके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे बस, और वो वहाँ का फाइनल करा देगा ठीक है, वहाँ का वो बताएगा पैसा ठीक, वो लेके जाएगा सामने सामने बात करा देगा सामने सामने, वो डन हो जाएगा। ठीक 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 भैया बहुत बढ़िया, ये तो काम आसान हो गया। तो देखा आपने, यानी जीवन देने वाली ड्रग्स दवाइयां या फिर जीवन लेने वाली प्राण घातक ड्रग्स जो होती हैं, कुछ भी हो सौदेबाजी उसकी किस तरीके से चल रही है, और देश के सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं है, देश के दूसरे हिस्से की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देखी है पठान साहब, यानी मौका मिलना चाहिए चाहे ड्रग्स जीवनदायिनी हो या फिर वो ड्रग्स जो किसी की जिंदगी ले सकता है, किसी भी मामले में मिलीभगत हर जगह नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा फेंको तमाशा देखो, और मोदी जी कह रहे अपने मोदी जी कह रहे कि योगी जी का राज है वो राम राज्य है, अगर ये राम राज्य है तो रावण राज किसे कहेंगे ये मुझे पता नहीं है। पैसा फेंक कर हर चीज हो रही है,
जेल प्रशासन से लेके हॉस्पिटल से लेके इवन कोर्ट तक के मैनेज किए जा रहे हैं। इतना डिस्टर्बिंग वीडियो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, और आई सैल्यूट योर पीपल कि उन्होंने इतना मतलब मैंने अपना जान जोखिम में डालते हुए इतना रिस्क लेते हुए ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। आप लोग एक बड़े सैल्यूट के लायक है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन आप ये जो चीज है ये योगी जी तक के पहुंचाइए, मोदी जी तक के पहुंचाइए, अमित शाह जी तक के पहुंचाइए, और साथ ही में एनसीबी को भी भेजिए, एनसीबी को बोलिए बम्बई से आइए, वो बॉलीवुड की गटर में से ड्रग ढूंढना बंद करो। एक्चुअल ड्रग यहाँ पर मिल रही है बोलना, ड्रग एडिक्ट यहाँ पर। लेकिन सर मैं बार बार साफ करूं, ये सिर्फ एक शहर एक राज्य की बात नहीं है। आप भी ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा होगा। यही चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सिर्फ खाकी जिसे इन सारी चीजों को बचाने का जिम्मा है वो खुद लिप्त हो जाए तब इंसान कहां जाएगा। मैं आपके करीब आऊंगा सर, मैं एक बार फिर से आऊंगा। एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को हम और दिखाना चाह रहे हैं, वक्त जाया नहीं करना चाहते, इसलिए हम तुरंत वो रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं जो हकीकत आज पूरी दुनिया के सामने रख रही है। लखनऊ जिला जेल से जुड़े जो खुलासे अब तक आपने देखे हैं उन्हें लेकर आप भी हैरान जरूर हो गए होंगे, और मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई बेशुमार दौलत के दम पर जेल की चार दीवारी में भी सेंध लगाई जा सकती है, वो भी इतनी आसानी से। ऐसा ही एक सवाल स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान हमारे मन में भी आया था, लेकिन लखनऊ जिला जेल के फार्मासिस्ट ने हमारे खुफिया कैमरे पर और भी कई खुलासे किए, कई दावे के साथ किए हैं। ये दावे और ये खुलासे आप भी देखिए। किसी शातिर एजेंट की तरह शैलेंद्र ने हमें उन लोगों के नाम बताए जो इसी तरह पैसे के दम पर जेल की सलाखों से बाहर निकल गए। जैसे गए थे हमारे तो सालों रहे हैं, अभी भी वही है। ये कैसे पॉसिबल, मतलब सालों, मतलब महीना तो होगी ना, वो प्रॉब्लम ही न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम ही ऐसी होती है। हाँ। वो अपना बता दीजिए, डेढ़ साल तो हो ही गया। अभी उनको बाहर रहते हुए ढाई साल हो गया, ढाई साल तो उनका तो फिर पर मंथ का बंदा होगा। हाँ। बहुत मोटा खर्चा हो रहा होगा भाई। नहीं बहुत मोटा नहीं होगा, अरे पूछिए ना, मोटा कैसे बता रहे हैं जब पहली मुलाकात यही खत्म करने के बाद शैलेंद्र से हमारी अगली मुलाकात लखनऊ जेल के बाहर ही हुई। वहां उसने सबसे पहले कागज के एक टुकड़े पर जेल में जुगाड़ का 5 लाख और अस्पताल से सेटिंग का भी रेट लिख दिया। इसके बाद बातचीत शुरू हुई तो शैलेंद्र ने पिछली मुलाकात से बड़े खुलासे किए। अब आपको कहीं कुछ करने जब वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि जैसे यहाँ से गया तो तुरंत वहाँ सब लोग आ जाए, कोई नहीं का एटमोसफियर गलत, कोई नहीं है, 8 घंटे 10 घंटे वो अपना, फिर उसके बाद कोई आ जाए। अरे दिन भर एक आदमी नहीं, 4 आदमी वहाँ पे, फिर फोन वोन तो ले जा सकते हैं आराम से, बड़ा आराम। जब हमने उससे अस्पताल में खाने के इंतजाम को लेकर सवाल किया तो सुनिए उसने क्या कहा। घर वालों खाओ ना, फिर तो हम लोग मतलब बाहर वाले जो उनके घर वाले हैं वो लाके खिलाते हैं। हम अपने काम को जारी रहते हैं, जैसे ही आपका ओके आता है हम तुरंत मार देंगे। ठीक 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 आज की छुट्टियां हो गए, शनिवार हो गए, शनिवार सोमवार। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप पैसा फेंकिए, आप अपनी मर्जी से बीमार हो सकते हैं और ये बीमारी आराम के लिए होती है। लक्ष्मी के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। लक्ष्मी वाकई ये जो तस्वीरें हैं ये आंखें खोलने वाली तस्वीरें हैं। प्रशासन ऐसा लग रहा है कि वो सोने का नाटक कर रहा है और यही वजह है कि उसे जगाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल अक्षय, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से सुविधाएं देने का दावा, स्टिंग में अस्पताल से डील करने का दावा, आपने देखा कैसे किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तो खाली जेल का खर्चा आ जाएगा, फार्मासिस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है। राजधानी की जेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, फार्मासिस्ट का ये दावा क्या कहता है ये जरा समझिएगा। ये बड़ा सवाल है कि जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है।
तुषार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तुषार, एक बड़ा सवाल है योगी राज और खासकर सूबे की राजधानी लखनऊ, जहां पर सबसे ज्यादा पहरा रहता है, जाहिर है कि सरकार सत्ता वहीं से चलती है, वहां की जेल में अगर ये खेल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार के मामले पर ही ये सरकार आई थी और साफ तौर पे कहा था कि अब की बार अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा, हमारी सरकार आती है तो कहीं भी भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जी हिंदुस्तान के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है, निश्चित तौर पे एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा सामने हुआ है। जेल ऐसगाह बना हुआ है, वो जेल जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, जहाँ पे खूंखार आतंकवादी खूंखार कैदी रहते हैं, वो जेल आज ऐसा बना हुआ, एक फार्मासिस्ट इसकी डील कर रहा है साफ तौर पे। तो निश्चित तौर पे जेल प्रशासन जो है वो इसका दोषी माना जाएगा, क्योंकि एक पूरी चेन होती है इस जेल के अंदर जाने के लिए, किस तरह से पूरा एक नेक्सस बना हुआ वो साफ तौर पे खुलासा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि जेल के अंदर जब आप एंट्री करेंगी तो सबसे पहले ही जेल अधीक्षक का कमरा होता है, वो जेल अधीक्षक जो पूरे जेल की मॉनिटरिंग करता है, पूरे जेल को देख रेख करता है, जिसके निर्देशन पे जेल चलती है, उस जेल अधीक्षक का कमरा सबसे पहले होता है, उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन फार्मासिस्ट जिस हिसाब से कह रहा है तुषार, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक इस जेल प्रशासन में तमाम लोग मिले हुए हैं और मिली भगत से ये काम हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि एक्शन कौन लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा। बहरहाल, जो तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, मेरे तमाम सहयोगी जो तमाम तस्वीरों के साथ आपके सामने आए थे और खूनी पुड़िया की हकीकत आपके सामने रखी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। बहरहाल, ऑपरेशन खूनी पुड़िया में जो बड़े खुलासे हुए हैं, इस पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, ये भी आपको सुनाते हैं। अगर मादक पदार्थ जाते हैं, ये अपने में ही बड़ी चिंता की विषय बात है कि मादक पदार्थ तो कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। जेल के अंदर अगर जा रहे हैं तो उससे जेल के अंदर हिंसा, अनुशासनहीनता, उदंडता और आपराधिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? जेल के अंदर CCTV व्यवस्था, जेल के अंदर जिनकी सत्यनिष्ठा अच्छी हो उस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना। जैसे स्मैक वगैरह, प्रिजनर क्या करते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह गए तो स्मैक को पॉलीथीन में डाल के उसको निगल जाते हैं, उसको स्टोमक में रख लेते हैं, और जब जेल के अंदर आते हैं तो आके वो वोमिटिंग वगैरह करते हैं, वोमिटिंग करके उस स्मैक को बाहर निकाल के और उसको पी जाते हैं। तो मतलब बहुत नए नए तरीके जो है प्रिजनर से निकाले हुए हैं कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल को अंदर लेके जाएं, तो जेल स्टाफ की ये ड्यूटी है कि उनसे एक कदम आगे रहना चाहिए। अगर वो 10 है तो हम 11 हैं, इस तरीके का होना चाहिए, तभी हम ये चीजें रोक सकते हैं। तो ऑपरेशन खूनी पुड़िया के जरिए जी हिंदुस्तान सिर्फ हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जी हिंदुस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से एक ऐसा खेल चल रहा है जिसमें ऊपर से नीचे तक तमाम लोग संलिप्त हैं, और ये समाज के लिए सबसे खतरनाक तस्वीर है। और क्या ये सिर्फ ड्रग्स की पुड़ियों तक सीमित है? क्या हो सकता है कि इसी तरीके से कुछ और चीजें भी जेल के भीतर पहुंचाई जा रही हैं? हम हर तस्वीर, हर सच आप तक आगे भी इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। आज इस खास ऑपरेशन में अभी के लिए इतना ही, आप लगातार रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। ऑपरेशन खूनी पुड़िया पर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।